हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा यादव। वेलकम टू रेखा किचन। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपके फैमिली में सब अच्छे होंगे। और आज मैं बनाने जा रही हूँ मैंगो ड्राई फ्रूट मिल्क शेक। और देखते हैं इसमें क्या लगता है और कैसे बनता है। और अभी अच्छे आम मैंगो मिल रहे हैं तो आप बना सकते हैं, और देखते हैं इसमें क्या लगता है। ये मैंने थोड़ा सा आइस क्यूब लिया है, ये आप अगर आपको सर्दी कोल्ड का प्रॉब्लम हो तो आप स्किप कर सकते हैं, और नहीं है तो आप डालिए, क्योंकि शेक ठंडा अच्छा लगता है तो आप डाल सकते हैं। अगर सर्दी है तो नहीं डालिए। और ये मैंने दो मैंगो लिया है आम पका हुआ, और एक गिलास ठंडा दूध लिया है मैंने। और ये मैंने 25 ग्राम तक काजू और बादाम लिया है 25 ग्राम, और उसे मैंने एकदम चॉप कर लिया है, बारीक कट कर लिया है। और थोड़ा सा मैंने किशमिश लिया है, और ये मैंने शक्कर लिया है 4 टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से शक्कर कम ज़्यादा डाल सकते हैं, क्योंकि मैंगो भी मीठा होता है। तो देखते हैं हम कैसे बनता है। सबसे पहले हम मैंगो को कट कर लेंगे, छील लेंगे, उसका स्किन निकाल देंगे, ऐसे करके हम छील के निकाल लेंगे। तो ऐसे मैं छिलके को निकाल लेती हूँ। तो ये मैंने मैंगो को छील लिया है, और ऐसे हम करके कट कर लेंगे छोटे छोटे, इसको कट करते जाएंगे छोटे छोटे भागों में ऐसे करके। अब छोटे छोटे काट लीजिए, दो तरीका बता रही हूँ। एक आप ऐसे करिए, ऐसे करके कट कर लेंगे दोनों भागों को, जो बीच का भाग है गुठली को अलग कर देंगे। और क्या करेंगे, एक स्पून लेके आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, इजी है, छिलका निकालने में दिक्कत होती है, ऐसे करके आप जो उसका पल्प है निकाल लीजिए। आप ऐसे करके भी हम निकाल सकते हैं, तो मैं निकाल लेती हूँ ऐसे करके। ऐसे करके हम सारे पल्प निकाल लेंगे। देखिए बहुत इजी निकल जाता है। तो ये मैंने मैंगो को कट कर लिया, इसका पल निकाल लिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक मिक्सर जार लेंगे, जूसर जार ले लेंगे हम, और उसमें हम मैंगो को डाल देंगे, जो मैंगो पल है। और उसमें हम डालेंगे शक्कर, और शक्कर मैंने डाल दिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से शक्कर डाल सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे दूध, एक ग्लास मैंने लिया है। हर एक चीज़ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे आइस क्यूब, और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो ये मैंने ग्राइंड कर लिया है, पीस लिया है, ये देखिए अच्छे से मैंने इसे पीस लिया है। और इसमें हम डालेंगे जो मैंने ड्राई फ्रूट लिया है, आप अपने मनपसंद का ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो, पिस्ता, बादाम, काजू, अखरोट, जो चाहिए आप वो ले सकते हैं। और थोड़ा सा हम रखेंगे गार्निशिंग के लिए, बाकी सारे ड्राई फ्रूट इसके अंदर डाल देंगे, किशमिश नहीं डालेंगे। और इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे इसके अंदर, और क्योंकि इसका जो पीस देंगे तो अच्छा नहीं आएगा ऐसे, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इसमें, आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे सारे ड्राई फ्रूट को शेक में, मैंगो शेक में। और अभी क्या करेंगे, हम एक सर्विंग ग्लास में से निकाल लेंगे, एक सर्विंग ग्लास लेंगे, और इसमें हम निकाल लेते हैं। तो ये मैंने ग्लास में निकाल लिया, थोड़ा सा मैंगो से मैंने गार्निश कर दिया है। और अभी हम क्या करेंगे, जो थोड़ा किशमिश है थोड़ा सा हम उसे, और थोड़ा सा हम काजू बादाम से गार्निश कर देंगे इसको। तो ये हमारा
मैंगो ड्राई फ्रूट मिल्क शेक बन के तैयार है। आप बनाइए, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन ज़रूर दबाएं। और देखिए कितना अच्छा बना है और कितना यम्मी भी है। आप बना के ज़रूर एक बार देखिए और फिर से मिलती हूँ नए रेसिपी में। बाय फ्रेंड्स।